पब्लिक टीवी आपकी आवाज। युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र गायत्री परिवार ट्रस्ट मुरादाबाद में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में पूजनीय गुरु सत्ता की ऐसी अनुकंपा से युग शक्ति चेतन केंद्र गायत्री परिवार ट्रस्ट सिविल लाइन्स पर माता गायत्री जयंती गंगा दशहरा और श्री गुरु जी के महापारायण दिवस पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ की प्रवचन एवं मंत्रोच्चारण करता मृदुल त्यागी और शालिनी मल्होत्रा रही। कार्यक्रम का संचालन पूनम चौधरी के द्वारा किया गया। मृदुला त्यागी ने प्रवचन एवं मंत्र उच्चारण के द्वारा हवन और संस्कार दिवस, बाल दीक्षा दिवस, बाल कल्याण दिवस, महापारायण दिवस का महत्व बताया और विद्या संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि संस्कार कराए। उन्होंने कहा कि संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये संस्कार गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के महाप्राण दिवस गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र पे आज पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अन्नप्राशन शिक्षा आदि संस्कार बच्चों के कराए गए हैं और ये हर वर्ष की भांति किया जाता है। यहाँ पे आज एक लोगों ने संकल्प लिया है कि गुरुजी के ज्ञान यज्ञ का प्रचार करने के लिए साहित्य का वितरण और लोगों को पढ़ाने की प्रेरणा देंगे। उसी के माध्यम से एक हमारा एक अभियान चला है, हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। जो गुरुजी का मूल सूत्र था इसी के आधार पर युग का परिवर्तन संभव है। इस प्रकाश इन्हीं उसी प्रकाश को लेके हम सभी परिवार लोग आज यज्ञ कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और मैं समाज के विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न लोगों से प्रार्थना करूँगा कि मोबाइल की अपेक्षा स्वाध्याय की व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें और इसे अध्यात्म उन्नति की ओर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उसकी नींव बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय भारत। आज गंगा दशहरा, गायत्री जयंती और हम गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समस्त परिजन अपने परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस, आज के दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और गायत्री जयंती, ये तीनों दिवस एकादशी भी है, तीनों दिवस मिलकर ये एक संपूर्ण एक बहुत अद्भुत योग बन जाता है जिस पर हमारा हर वर्ष की भांति विशेष रूप से यज्ञ, हवन, भंडारा आदि साहित्य का वितरण, ये कार्यक्रम हमारा अखिल विश्व में चलता है। जहाँ जहाँ भी हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, शांति कुंज हरिद्वार से लेकर, सब एक साथ पूरे तन्मय होकर पूरे समर्पण भाव से मनाते हैं और नित्य नए संकल्प अपने साथ जोड़ते हैं और गायत्री परिवार को नित्य नए आयाम पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं एवं गायत्री परिवार की राष्ट्र निर्माण में, विश्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।